और मैं बेहोश थी। बेहोशी में मेरे को बच्चा हो गया था। जब मैंने आंख खोला तब ध्यान में आया कि अरे सब गैया मेरे इधर उधर घूम रहे, मगर एक गैया मेरे आंख पर खड़ी है। और बेहोशी में मेरे को बच्चा हो गया। और वो गैया सब गैया को हकाल रही थी बेटा, और चिल्ला चिल्ला के मेरे को उठा रही थी। उसको मानवता किसने सिखाई? मैं कैसी तो भी खड़ी हो गई, उसका गला पकड़ के मैं रोई। उसको मैंने वचन दिया कि तू, अरे आदमी ने तो टांग दिया, मेरे को छोड़ दिया, फेंक दिया, तू गैया होकर मेरी मैया बनेगी ना, मैं आखिरी दम तक सिर्फ मैया बनूंगी। बस गया को बचन दिया और मैया हो गई रे। बाद में वो बच्चा लेकर के आपने मतलब भीख मांग के अपना जीवन पहले चलाया। तो मेरा बच्चा का जन्मनाल मैंने पत्थर से तोड़ा रे। वो कैसा करे, मेरे पास क्या था? कुछ सामान नहीं था, कोई भी मेरे पास नहीं था। फिर मैंने उसको टेढ़ा सुलाया और नीचे पत्थर रखा, हाथ में एक पत्थर लिया। पहला पत्थर मारने से मेरे को डर लगा कि अभी ये जन्मा है बच्चा और मैं पत्थर मार रही, मगर ये लजी तो नहीं था। फिर मैंने आंख बंद की और पत्थर मारने लगी। वो चुकता था फिर भी मैं मारती थी, मगर मैं पत्थर गिनती थी। 16 पत्थर मारने के बाद नाल टूटा। तब मैंने सोचा कि ये जन्म हुआ नाल 16 पत्थर से टूटता है, तो संस्कृति का नाल कितना बड़ा मजबूत होना चाहिए। कभी हार नहीं माने आप? हार मानी ना बेटा। एक बार तो मैं रेल के पटरी में बैठी थी कि चलो मर जाते हैं, मगर जब पटरी हिलने लगी तब लगा कि नहीं 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 मरना। वो बच्चे ने मेरे तरफ देखा तो मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरे को बोल रहे हैं कि जन्म काहे को दिया, फिर मरना था तो मैं बोली मरना क्या सर। मैं उठ के नीचे दौड़ गए, मेरे को ऐसा लगता तो रेल मेरे पीछे आ रही। आपने ये सन्मति बाल निकेतन जो शुरू किया, ये आपने कैसे शुरू किया? आप तो आपके पास इतने बच्चे हैं, कैसे आपने मैनेज किया? जिसके पास अपने खाने की सुविधा नहीं, आज उसके पास सैकड़ों हजारों बच्चे। और अभी भी नहीं, क्योंकि मेरे को ग्रांट नहीं, सरकार ने अभी तक मेरे को कुछ नहीं दिया, सिर्फ सम्मान दिया। 4 राष्ट्रपति ने मेरे को सम्मानित किया, मगर ग्रांट नहीं। मेरे मेरे को भूख तो हर रोज लगती है ना, इसलिए भूख लगने के बाद मैं भाषण देने के बाद राशन मिलता है बाबा। सरकार ने नहीं दिया ना, जनता को मैंने सरकार बनाया। अरे तुम्हारा बच्चा का एक निवाला दो बेटा, मेरे बच्चे ये तुम्हारे भी है ना, समाज के बच्चे है बेटा। और लोगों ने मेरे को भाषण देने के बाद राशन मिला। अभी भी मैं भाषण देती तब राशन मिलता है। और मैं गाना गाती बेटा भाषण देते समय के, हमसे न तो खाने की ना पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। और लोग मर्द जैसे जीना और चाहते हैं ना, वही इतना ही बोलते और मांगते। आपने वास्तव में मर्दों की तरह जीने की बात करके दिखाई है। माई, आपने बहुत अच्छा बोला, पर कभी कभी क्या होता है ना, ये जो हमारे व्यापारी लोग हैं बोलते हैं आजकल मंदी का दौर है, और इतना मंदी आ गया है, एक तो पहले ही खुद से अंदर से कमजोर, फिर ऊपर से वातावरण भी कमजोर, तो ये हो जाता है डबल कमजोर। और जिसमें अगर कस्टमर इनको छोड़ दे, बिजनेस में अगर लॉस हो जाए, तो इनके एम्प्लॉय भी छोड़ के भाग जाता है।